दोनों टीम कृपया अपना एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजेगी। कमलेश कृपलानी और आकाश हेमनानी सलामी बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर आते हुए। पहला और लेकर गेंदबाजी का भार संभालते हुए रामस्वरूप पहली गेंद लेकर तैयार और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे कमलेश। नौ स्ट्राइक पर आकाश और ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का शुरू होता हुआ देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अच्छी शुरुआत करते हुए राम पॉलिंग मार्ग पे। फिर से अच्छी गेंद थी एक और डॉट बॉल। तीनों डॉट बॉल देखने को मिलते हुए फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज तैयार। इस बार बड़े का प्रयास किया है मिडल ऑफ द बैट से गेंद मैदान के बाहर छह रनों के लिए कमलेश के बल्ले से आता हुआ बड़ा हिट। स्लाइटली ओवर पिच गेंद थी वहां पर थोड़ी सी गलती हुई गेंद पास से और एक बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। हल्के हाथों से यहाँ पे दिशा देने का प्रयास था डॉट बॉल आता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे छह रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में लिया है और अब देखना पड़ेगा किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है। एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास अगर देखा जाए तो अवे फ्रॉम द बॉडी कट करने का प्रयास था व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अंपायर दीपक फाले इनकी ओर से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पे सात रन। यहाँ पे बाहरी किनारा था दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़ा है और पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में वापस जाते हुए बल्लेबाज कमलेश। ओवर की समाप्ति एक ओवर के बाद रन संख्या सात रन। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर मयूर आए हैं। पहली गेंद डाउन द लेग जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोर बोर्ड पे आठ रन लग चुके हैं। सामने की ओर सीधे बल्ले से शॉट बढ़िया था और फॉलो थ्रू में उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई मयूर इनके द्वारा। स्कोर बोर्ड पर आठ रन लग चुके हैं।
इस बार फटकी हुई गेंद थी, अच्छा पुल लगाया है आकाश शिवनानी के बल्ले से, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 14 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से अगली गेंद लेकर मयूर बॉलिंग मार्ग पर, इस बार सामने की ओर बल्लेबाज का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी तैनात, विकेट का पतन यहां पर होता हुआ और वापस जाते हुए बल्लेबाज आकाश शिवनानी बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए रितेश लालवानी, दो विकेट यहां पर शुरुआत में चटकाने में कामयाब होते हुए अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई टीम आहूजा स्ट्राइकर्स की ओर से। पटकी भी फिर से गेंद थी, पुल लगा दिया है, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। अठारह रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। प्रगति पर दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का, इस बार फिर से भारी किनारा लगा फ्लाइंग स्लीव रीजन में, खिलाड़ी जब तक फील्ड करते आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर रौनक, पहली गेंद पर अपील यहां पर देखने को मिलती हुई, वापस जाना पड़ेगा एक और खिलाड़ी, तीसरा झटका इस मुकाबले में लगता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई दौर के बाद रन संख्या 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दौर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 19 रन स्कोर बोर्ड पे, 3 महत्वपूर्ण विकेट्स इस मुकाबले में खो चुकी है टीम KKR.com। और अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पहले दौर में देखने को मिलती हुई, पहला ओवर राम स्वरूप का, दूसरा ओवर मयूर द्वारा, और दोनों ही गेंदबाजों ने विकेट चटकाई अपनी टीम के लिए। फिर से अगला ओवर लेकर अब विपिन आए टीम के कप्तान। फ्लाइटेड डिलीवरी थी इस बार, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी कवर्स के रीजन में, पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पे 20 रन लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर अब भरत होंगे
सामना करेंगे विपिन की अगली गेंद का। कमाल की गेंद थी, फ्लाइटेड डिलीवरी, पढ़ने के बाद अगर देखा जाए हल्की सी बाहर की ओर निकली, डॉट बॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ, फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। एक और बढ़िया गेंद थी, इस बार भी बाहरी किनारे के काफी नजदीक से गेंद गुजरी। इस बार मौका जरूर था और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ, यह आसान मौके भरत को जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर से कट लगाने का प्रयास था, इस बार गेंद थोड़ी सी स्टैंड हुई और पॉइंट की दिशा में एक आसान कैच यहाँ पर छूटता हुआ, जीवनदान यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई सिंगल के मदद से 21-21 रन। स्वीप लगाने का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी यहां पर तैनात। एक और सिंगल आता हुआ आसानी से, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड पे, 3 विकेट यहां पर खोए हैं। और अब यहां पर अगर देखा जाए तो सिंगल्स के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक पार्टनरशिप बनाने की सोच यहां पर। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बल्लेबाज का प्रयास था, पीछे यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। आसानी से सिंगल यहाँ पर मिलेगा, बढ़िया थ्रो आता हुआ मिडविकेट के रीजन से। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद रन संख्या 23 रन। अगला ओवर लेकर संजय आए हैं, 3 ओवर के बाद रन संख्या 23 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे भरत। अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, पीछे खिलाड़ी तैनात है। सिंगल यहां पर आएगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 24 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से यहाँ पे सिंगल का प्रयास होगा और आसानी से ये रन पूरा होगा। एक और सिंगल लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर दीपक फाले इनके द्वारा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन स्कोर बोर्ड पे। कल ICSPL का फाइनल मुकाबला खत्म हुआ और अब SPL आने वाले 3 दिन कुछ रोमांचक मुकाबले आपके सामने होंगे। tenniscricket.in के माध्यम से लगातार बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। फिर से यहाँ पर अपील देखने को मिली है, इस अपील में उत्साह काफी नजर आता हुआ। फिर से अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर संजय। एक और अच्छा ओवर चलता हुआ, 2 ओवर में जरूर 19 रन बन चुके थे, पिछला ओवर विपिन का काफी अच्छा रहा और इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी पेश करते हुए संजय अपने टीम के लिए लगातार बल्लेबाज के रेंज से गेंद को दूर रखने का प्रयास होता हुआ।
लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बल्लेबाज को जितना हो सके उतना ऑफ स्टंप पर खिलाया जाए। चाहते कि लगातार हवाएं इस ग्राउंड पर लेग स्टंप की दिशा में चलती है। इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात, महज दर्शक बनेंगे, चार रनों के लिए जाती हुई गेंद। उनतीस रन स्कोर बोर्ड पे, चौथा और प्रगति पर चलता हुआ आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है KKR.com स्टार्स वर्सेस चार ओवर के बाद रन संख्या 29, 29 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। तीन विकेट के नुकसान पर टीम KKR। विपिन आए अगला ओवर लेकर, पहली गेंद पे रितेश लालवानी, पल्ला तो काफी जोर से घुमाया था, एक और सिंगल यहां पर आसानी से पूरा होता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाते हुए तीस रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए पांचवा ओवर यह प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाजी मार्ग पर विपिन आहूजा। स्ट्राइकर्स के लिए शुरुआत अच्छी रही है, अगर देखा जाए गेंदबाजी के साथ साधारण खर्च किए नहीं, और शुरुआत में तीन बल्लेबाजों को यहां पर चलता किया है। इस बार भी शायद किनारा लगा था, रिएक्शन बहुत कुछ बताता हुआ ये दूसरा जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज भरत को, एक और कैच ड्रॉप यहां पर देखने को मिला है। विकेटकीपर मयूर, जिन्होंने अब तक बहुत अच्छे कैचेस पकड़े इस टूर्नामेंट में, साथ ही साथ ICSPL में भी इनके विकेट कीपिंग की लगातार चर्चा हमने की थी। फिर से अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे रितेश, फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, एक और अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, जब तक फील करते, एक और सिंगल बल्लेबाज को मिलता हुआ। फिर से अगली गेंद लेकर विपिन, गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, इस बार भी जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था। आज अगर देखा जाए गेंद उस तरीके से बल्ले पर नहीं आ रही है भरत की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक और अच्छी गेंद यहां पर पेश करते हुए, बत्तीस के स्कोर पर तीन बल्लेबाज वापस जा चुके हैं, पांचवा और प्रगति पर चलता हुआ, और एक और कमाल का ओवर देखने को मिलता हुआ विपिन द्वारा। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर से इस शॉट को खेला है, और नतीजा छह रन, कमाल का ये शॉट भरत के बल्ले से आता हुआ। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने की जरूरत रहेगी, बहुत ही उम्दा अंदाज में इस शॉट को खेला था, बैकफुट पर इंतजार किया, जैसे गेंद पाले में थी बढ़िया अंदाज में शॉट को खेला छह रनों के लिए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार भारी किनारा था, बढ़िया फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप रीजन में, डॉट बॉल के साथ पांच ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 38 रन, तीन विकेट के नुकसान पर, दो मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक।
महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। पहली गेंद पर थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करने की कोशिश थी और यहाँ पर अपना विकेट खोना पड़ेगा। रितेश लालवानी वापस जाते हुए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली गेंद पे विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज संजय अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए टीम के कप्तान नरेश दुर्गिया। मेन एंट्रेंस गेट के सामने जिन लोगों की गाड़ियां पार्क की गई है कृपया पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियां रखें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। डॉट बॉल के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए नरेश के सामने भी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली। आज अगर देखा जाए सभी गेंदबाजों द्वारा टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के लिए और बढ़िया कप्तानी भी हुई है जिस तरीके से गेंदबाजों को यहाँ पर रोटेट किया है। लेकिन यहाँ पर अब देखना पड़ेगा नरेश दुर्गिया इनके सामने किस तरीके की प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर से स्वीप लगाने का प्रयास था। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या अभी भी वही रुकी हुई है 38 रन स्कोर बोर्ड पे। अब तक देखा जाए इस ओवर में कोई रन दिया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस बार बड़ी का प्रयास था। गेंद बहुत देर तक ऊपर गई है। ये बहुत बड़ा मौका और ये चिटकता हुआ आसान मौका था, आसान ये कैच और नरेश इनको मिलता हुआ ये जीवनदान। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन स्कोर बोर्ड पर।
बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए संजय। इस बार फिर से पलेट का प्रयास जरूर किया था, गेंद फिर से बल्ले पर आई नहीं। एक और सिंगल यहां पर मिलेगा, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई, स्कोर बोर्ड पे 40 रन लग चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर छठा ओवर, जिसको पूरा करते हुए संजय। अच्छा शॉट लगाया है, पावरफुल शॉट, क्या एफर्ट दिया है वहां पे खिलाड़ी ने, 100% वहां पर एफर्ट देखने को मिलता हुआ, जबरदस्त एफर्ट। और सिंगल यहां पर मिलेगा, रन संख्या 6 ओवर के बाद 41 रन। बॉलिंग मार्क पर रामस्वरूप, अगली गेंद लेकर अगला ओवर लेकर 6 और 41 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग गेंद पर नरेश दुर्गिया, फुल टॉस गेंद, यहां पर ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए, केवल सिंगल मिलेगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 42, 42 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए तो 23 गेंदों का खेल यहां से बचा है, और देखना पड़ेगा कि आने वाले 23 गेंदों पर कितने रन यहां पर बना पाती है टीम केकेआर। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी कट करने का प्रयास है, पॉइंट के रीजन के ऊपर से फिर से उसी प्रकार का शॉट, देखा जाए एक बड़ा हिट लगा चुके इस शॉट पर। सिंगल मिलेगा बल्लेबाज को, रन संख्या 43, 43 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 7वां ओवर, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाजी मार्ग पे राम। इस बार बल्ले की आवाज सुनो और 6 का फरमान सुनो, नरेश दुर्गिया ट्रेडमार्क, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। 50 रन यहां पर पूरे होते हुए टीम केकेआर के इस मुकाबले में। नरेश दुर्गिया एक जीवनदान इनको मिला इस मुकाबले में, देखना पड़ेगा उसका किस तरीके से फायदा उठा पाते हैं। धीमी रफ्तार की गेंद, व्हाइट बॉल का यहां पे इशारा आता हुआ। एक और व्हाइट बॉल रिव्यू यहां पर लिया है।
इस बार बड़े का प्रयास, गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। फिर से फुल टॉस गेंद थी और इस बार भी नतीजा वही, 6 रन के लिए। एक और लंबा छक्का लगाते हुए नरेश दुर्गिया के बल्ले से 63 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार नंबर 4, इस ओवर में 4 बड़े लगाते हुए नरेश दुर्गिया, ओवर को किया है अच्छे अंदाज में समाप्त। रन संख्या 7 ओवर के समाप्ति के बाद 69 रन। हेलो हेलो, 7 ओवर के बाद रन संख्या 170 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए यहाँ से 18 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि कितने रन और बना पाते हैं टीम केकेआर। बॉलिंग मार्ग पर अगला ओवर लेकर आए हैं चिराग। अगली गेंद लेकर फिर से चिराग, पहली गेंद डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए 170 रन स्कोर बोर्ड पे। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, इस मुकाबले के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कमाल की पावर हिटिंग देखने को मिली नरेश दुर्गिया द्वारा। पलेट का प्रयास फिर से होता हुआ, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात। एक और सिंगल आसानी से पूरा होगा, सिंगल के मदद से रन संख्या 70 रन। इस बार फिर से एक और बड़ेट का प्रयास था, डॉट बॉल। बढ़िया गेंद, एक और बार खामोश रखने में कामयाब होते हुए अच्छी गेंद थी चिराग द्वारा। और पिछले ओवर में जरूर थोड़ा सा दबाव बनाया था गेंदबाजों के ऊपर और इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई चिराग द्वारा अपने टीम के लिए रन की गति को थोड़ा सा रोका जरूर है। फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर नरेश दुर्गिया।
फिर से एक और पटकी हुई गेंद, लेकिन नो बॉल का यहाँ पे इशारा आता हुआ, क्योंकि पिच के बाहर ये गेंद शायद गिरी और इसी के चलते नो बॉल आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। फुल टॉस गेंद थी, बड़े हिट का प्रयास यहाँ पे होता हुआ और नो बॉल का इशारा आता हुआ फिर से एक बार अंपायर की ओर से। इस बार भी अगर देखा जाए तो इस फुल टॉस गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। पहली चार गेंदें काफ़ी अच्छी रही थी ओवर की, और पिछली दो गेंदों पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन थी, वहाँ पर नो बॉल का इशारा, और इस बार ओवर द वेस्ट हाइट की गेंद थी, फिर से एक नो बॉल, फिर से प्रेट रहेगी बल्लेबाज के लिए। पटकी हुई गेंद थी, इस बार अच्छा शॉट लगाया है भरत ने और गेंद 6 रनों के लिए जाती हुई। फिर से सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी लॉन्ग ऑन के एरिया में, पीछे खिलाड़ी तैनात। 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 80। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया है, अब 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में 7 मिनट का समय बचा है ये 2 ओवर कंप्लीट करने के लिए। बॉलिंग मार्क पर मयूर आए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। 8 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे 80 रन लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज होंगे भरत। हेलो हेलो, इस बार कैप में पहली गेंद, लेकिन वहां पे पीछे खिलाड़ी तैनात है। जब तक फील्ड करते सिंगल यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज को, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 81, 81 रन स्कोर बोर्ड पर। KKR.com स्टार्स के दृष्टिकोण से एक अच्छा स्कोर यहाँ पर निश्चित तौर पे देखने को मिलता हुआ, और आने वाली 11 गेंद काफी इंपॉर्टेंट, जहां पर स्ट्राइक पर 2 सेट बल्लेबाज नजर आते हुए क्रीज के ऊपर। ऑफस्टंप के काफी बार ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, रन संख्या 82, 82 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार गेंद बहुत देर तक ऊपर गई है, और यहाँ पर इस बार भी एक और जीवन दान मिलता हुआ उसी दिशा में उसी जगह। इस बार जरूर दूसरे खिलाड़ी वहां पर थे कैच के नीचे। एक और दफा जीवन दान मिलता हुआ नरेश दुर्गिया, ये दूसरा कैच छूटा हुआ 83 रन स्कोर बोर्ड पे।
फुल टॉस गेंद थी और जैसे गेंद बल्ले से निकली इस पर 6 रनों की छाप थी। बढ़िया शॉट लगाते हुए भरत, रन संख्या आगे जाती हुई 90 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। नरुओं है भरत है विच में डाढ़ी सुटी पार्टनरशिप, एक टाइम हो 6 रन में 88 रन हुआ सिर्फ। नब्बे रन स्कोर बोर्ड पर, फिर से अगली गेंद लेकर मयूर बॉलिंग मार्क पर तैयार। यहां पर कमाल की गेंद थी, पिछली गेंद पर बड़ा हिट, इस गेंद पर विकेट आता हुआ, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज। भरत बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज यश आए बैटिंग का भार संभालने के लिए। नवा और ये चलता हुआ प्रगति पे, बड़ा हिट लगा पिछली गेंद पर और इस गेंद पर जबरदस्त अंदाज में विकेट चटकाते हुए। नब्बे रन स्कोर बोर्ड पे, आखिरी गेंद अच्छा शॉट लगाया है, पीछे खिलाड़ी तैनात लेकिन यहां पर सिंगल लेने से मना किया क्योंकि आखिरी ओवर में शायद अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। 9 ओवर के बाद रन संख्या 89, लॉस ऑफ 5 विकेट। 99 थे KKL.com पहले बल्लेबाजी का कन बैटिंग कंदा पे रहो 99 रन थे 5 9 ओवर। टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर अब बॉलिंग मार्क पर फिर से चिराग आए हैं। 90 रन स्कोर बोर्ड पे, 6 गेंदों का खेल यहां से बचा है और देखना पड़ेगा कितने रन बनाएंगे बल्लेबाज नरेश दुर्गिया स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद, बड़े हिट का प्रयास और गेंद चाहती हुई वन बाउंस 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के पहले गेंद पर नरेश दुर्गिया के बल्ले से जोरदार प्रहार वहां पर देखने को मिलता हुआ। क्या शॉट लगाया है ये, एक और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर क्या पहुंचा इस मुकाबले में 99 रन स्कोर बोर्ड पर और साथ ही साथ नरेश दुर्गिया 16 गेंदे 39 रनों की पारी चलती हुई। लगातार बड़े बड़े हिट्स देखने को मिलते हुए और इसी अंदाज के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, लगातार अपनी टीम को फिनिशिंग टचेस देते हैं। इस बार फिर से गेंद ऊपर, नीचे खिलाड़ी महज बने गए दर्शक, दर्शक बने गए फील्डर। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, इस छक्के की मदद से 100 के पार जाता हुआ स्कोर 105 रन स्कोर बोर्ड पर और 17 गेंदे 45 रन बनाकर खेलते हुए।
फुल टॉस गेंद थी, इस बार रन लेने से वहां पे मना किया, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। 105 रन स्कोर बोर्ड पे, दो गेंदों का खेल अभी भी बचा इस पहले इनिंग में। एक और अच्छी गेंद थी, टॉट बॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ। 105 रन स्कोर बोर्ड पर, आखिरी गेंद लेकर आएंगे इस ओवर की चिराग। पहली तीन गेंदों पर जरूर रन्स कंसीड किए, लेकिन पिछली दो गेंदें बड़ी आ रही है। पड़ा हिट का प्रयास, पीछे खिलाड़ी है, कैच को पकड़ा है, विकेट का पतन, वापस जाना पड़ेगा। इसी के साथ ये पहली पारी, पहली इनिंग समाप्त होती हुई। रन संख्या 105 रन स्कोर बोर्ड पे, और जीतने के लिए रन बनाने होंगे 106। KKR.com 115 रन अंदे 9 रन में 6 विकेट है। नरवई शानदार पारी, 45 रन हटाई पेंजी टीम लाए, कप्तानी पारी खेली हो नरू, और उनसा गले उनके साथ निभायो भरत हेमनानी, उन्हें भी दाढ़ी बढ़िया बैटिंग की, उन्हें बदौलत स्कोर 105 रन जीतने ला 106 रन खपन। SPL ट्रेन जो आगाज थी चुको आ, अज बो डी सभी मेहमान जो दर्शकन जो स्वागत आ कमेटी तरफ से। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, विठल ने पकाया सबको।
महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, पिठर में पकाया सबको। गेंद ऊपर, कैच ड्रॉप होता हुआ, पहली गेंद पे जीवन दान मिलेगा बल्लेबाज सागर को। शाम का वक्त यहाँ पर और कमेंट्री बॉक्स में चाय का स्वाद लेते हुए हमारे सभी साथी, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा शॉट लगाया लॉन्ग द कारपेट, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। टॉस गेंद इस बार आले बल्ले से लिया और गेंद चार रनों के लिए जाती हुई, मयूर के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। ऐसी शुरुआत की दरकार रहेगी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो। इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात भरत जब तक फील्ड करते आसानी से एक रन पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 6 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला ओवर रितेश लालवानी के रूप में चलता हुआ। फिर से बड़े का प्रयास था और इस बार गलती करेंगे नहीं खिलाड़ी, विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं क्षतिर। पलट का प्रयास, फिर से गेंद ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील करेंगे आसानी से यहां पर 2 रन पूरे होते हुए, 2 रन की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोर बोर्ड पर 8 रन। एक और 8 रन, एक विकेट के नुकसान पर
रन संख्या इस मुकाबले में 106 रन बनाने होंगे टीम आहूजा स्ट्राइकर्स को। पहली गेंद पर स्वागत किया है इस बड़े हिट के साथ मयूर के बल्ले से, जबरदस्त अंदाज में शॉट देखने को मिलता हुआ। इस बार बैकफुट से फिर से अच्छा कट लगाया, तेज आउटफील्ड इस ग्राउंड पर देखने को मिलती हुई और फिर से नतीजा 4 रन। एक और बाउंड्री यहां पर आती हुई मयूर के बल्ले से, आक्रामक अंदाज में शुरुआत होती हुई और इसी शुरुआत की दरकार रहेगी। रन संख्या 18 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार भी बड़े का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी है, ये बहुत बड़ा विकेट इस मुकाबले में, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज मयूर बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज आते हुए चिराग बैटिंग करने के लिए, 18 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट यहां पर जाता हुआ। जरूर अगर देखा जाए एक बड़ा हिट लगाया, उसके बाद बाउंड्री आई, लेकिन विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे, चिराग सामना करेंगे अगली गेंद का। अच्छी गेंद फिर से थी, खिलाड़ी तैनात वहां पर मिसफील्ड हुई है और इस मिसफील्ड के चलते 4 रन मिलेंगे यहां पर बैटिंग टीम को, जहां पर सिर्फ 1 रन होना चाहिए था। एक अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड में अगर देखा जाए भरत, यहां पे गलती हुई और इस गलती के चलते 4 रन यहां पे हासिल करने में कामयाब होते हुए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोर बोर्ड पर। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी गैप में, एक और बाउंड्री यहां पर आती हुई, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन। बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई, जरूर विकेट आई है, लेकिन जो अप्रोच नजर आया है बल्लेबाजों द्वारा, उस अप्रोच की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी। जानते हैं कि यहां पे पावर प्ले के ओवर से क्रूशल शुरुआत के ओवर्स और वहां पर रन बनाने जरूरी थे। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
दो ओवर 26 रन, पावर प्ले समाप्त होता हुआ। विकेट यहाँ पर नरेश तुर्गिया पहली गेंद पर एक और विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए स्लोर वन गेंद समझ नहीं पाए और एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ 26 रन के स्कोर पर लगता हुआ तीसरा झटका इस मुकाबले में। इम्पैक्ट प्लेयर का यहाँ पे इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रोहित कटारिया, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। आते ही बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, गेंद ऊपर गई है और एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ बैक टू बैक दूसरी विकेट चटकाते हुए। अच्छा कैच वहां पर रितेश लालवानी का। चौथा झटका इस मुकाबले में 26 रन के स्कोर पर नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए। विपिन टीम के कप्तान अब टीम की कमान संभालने के लिए आए और बॉलिंग मार्क पर नरेश दुर्गिया की अगर बात की जाए तो हैट्रिक बॉल लेकर आएंगे। क्या तो से यहाँ पर गेंद को धकेला मिड विकेट के रीजन में, पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते आसानी से यहाँ पे सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन स्कोर बोर्ड पर। बड़ेट का प्रयास था, काफी देर तक गेंद ऊपर गई है और फंबल हुआ है दो खिलाड़ियों के बीच और मिसफील्ड वहां पर हुई है, कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छी वनदान मिलता हुआ बल्लेबाज चिराग को। बलेट का प्रयास किया इस बार विपिन के बल्ले से, बड़ा हिट आता हुआ, कमाल का ये शॉट कप्तान के बल्ले से। इस रन चेस में जबरदस्त शॉट था ये और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या इस बलेट के मदद से आगे बढ़ती हुई 34 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर से अलकातुस से गेंद को दिशा दी,
पीछे खिलाड़ी तैनात है, केवल सिंगल यहां पर मिलेगा और सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तीन ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। धनी टाइगर्स के कैप्टन से गुजारिश होगी, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आकर रिपोर्टिंग करें। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए अनिल आए हैं बॉलिंग मार्क पर अगला ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद यहाँ पे कट करने का प्रयास, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, कोई रन मिलेगा नहीं, डॉट बॉल यहाँ पर देखने को मिलती हुई। तीन ओवर 35 रन स्कोर बोर्ड पर और कुछ अलग फील्ड सेटअप नजर आता हुआ। एक और अच्छी गेंद थी, इस बार बल्लेबाज सफल होकर एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी। एक और डॉट बॉल पेश करते हुए बैक टू बैक दो डॉट गए थे इस ओवर में। इस बार लॉग ऑन के खिलाड़ी को क्लियर करने की कोशिश की जरूरत थी, पीछे से बढ़िया बैकअप देखने को मिलता हुआ मिड विकेट के क्षेत्र से भरत द्वारा। सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा, रन संख्या आगे जाती हुई 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में 39 गेंदों का खेल बचा है और 39 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता रहेगी टीम आहूजा स्ट्राइकर्स को अगर इस मुकाबले को जीतना होगा तो। धनी टाइगर्स के कप्तान कृपया कमेंट बॉक्स में आए। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन विकेट कीपर थोड़ा सा वहां पे चकमा देती हुई गेंद, 22 का इशारा और 4 रन मिलेंगे बैटिंग टीम के खाते में यहां पर ऐड होते हुए। जरूर थोड़े से नीचे ये गेंद रही थी और वहां पर विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। रन संख्या आगे जाती हुई स्कोर बोर्ड पर 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर 4 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3, जिसका पहला इनाम 1,51,000 मिडलैंड फर्नीचर मॉल इनकी ओर से। फुलटॉस गेंद थी यहां पर, बड़ा हिट खेलने की कोशिश हुई है और गेंद 6 रनों के लिए जाती भी, थोड़ा सा वहां पे कैच को जरूर मिसजज किया। भरत वहां पे मौजूद थे, एक्शन रीप्ले एक बार देख लेते हैं। वहां पे मौका जरूर था, कैच छूटा हुआ। यहाँ पर जोरदार अपील जरूर देखने को मिली है। रन संख्या अगर देखा जाए तो 4 ओवर के बाद 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या जा पहुंची है। विपिन आहूजा, अगर ये मुकाबला अपनी टीम को जिताते तो वार्डरोब इनकी ओर से एक गिफ्ट हैम्पर उन्हें दिया जाएगा। विपिन आहूजा इनके लिए वार्डरोब की ओर से गिफ्ट हैम्पर रहेगा अगर वो अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाते हैं तो। 4 ओवर 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। अभी भी 36 गेंदों का खेल बचा है और 36 गेंदों में 60 रन अभी भी बनाने होंगे। बॉलिंग मार्क पर अगला ओवर लेकर नरेश दुर्गिया कप्तान टीम के, और तो कप्तान अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे।
बढ़िया गेंद थी, तेज रफ्तार से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इस मरतबा रखी। डॉट बॉल आता हुआ, चार ओवर 46 रन अब तक अगर देखा जाए, जरूर चार विकेट खोई है इस मुकाबले में, लेकिन रन गति को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए आहूजा स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। रिवर्स हिट लगाने का प्रयास था, फिर से गेंद बल्ले पर यहाँ पे आई नहीं, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। धनी इलेवन के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए, धनी इलेवन। इस बार कमाल का ये शॉट जरूर था और बढ़िया फील्डिंग देखने को मिलती हुई स्क्वेयर लेग की दिशा में, शॉट अच्छा था और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए कुछ रन वहां पर सेव किए फील्डर ने, 47 रन चार विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर प्रगति पर चलता हुआ जिसको पूरा करते हुए बॉलिंग मार्क पर नरेश दुर्गिया। एक और अच्छी गेंद थी, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ, 47 रन स्कोरबोर्ड पे चार विकेट के नुकसान पर। फिर से एक और अच्छी गेंद यहाँ पर पेश करते हुए, एक और डॉट बॉल, कमाल का एक ओवर देखने को मिला है जिसमें सिर्फ एक रन अब तक दिया है स्कोरबोर्ड पर, 47 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाजी मार्क पर फिर से नरेश दुर्गिया रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज। चिराग एक और अच्छी गेंद थी, इस बार भी समझ नहीं पाए, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, पांच ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 47 रन चार विकेट के नुकसान पर। धनी इलेवन के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारे। एक मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। नोनी किंग्स इलेवन और धनी टाइगर्स, एक मिनट, नोनी किंग्स इलेवन और धनी टाइगर्स का टॉस होने जा रहा है। हु विल कॉल? धनी टाइगर्स विल कॉल, वेट वन मिनट। धनी टाइगर्स विल कॉल, उठाई ऊपर, हेड्स इज द कॉल फॉर धनी एंड हेड हेड्स इट इज, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। बैट फर्स्ट एंड से टीम में कोई चेंज नहीं है, सेम टीम। आप टॉस जीते तो आप क्या लेते थे? बैटिंग लेते थे हम भी। आपकी प्लेइंग 11 में कोई चेंज? प्लेइंग 11 में चेंज है, एक कुशल मनवानी इन है, मोहन परवानी आउट है। ओके थैंक यू। धनी टाइगर्स वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। इस बार एक और अच्छा शॉट विपिन के बल्ले से आता हुआ और गैप में जाती हुई गेंद चार रनों के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कप्तानी पारी की जरूरत थी जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और वो पारी नजर आती हुई अगले मुकाबले में टीम
धनी टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। इस ओवर की शुरुआत दो बाउंड्रीज के साथ होती हुई लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली देखने को मिलती हुई और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाया है। एक और अच्छा शॉट कव कॉर्नर रीजन में अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई रितेश इनके द्वारा रन संख्या सिंगल के मदद से आगे बढ़ती हुई 56 रन। यहां पर फिर से एक और बार मिसफील्ड होती हुई उस खिलाड़ी से अगर देखा जाए कि जो बहुत अच्छा फील्डर माना जाता है चार रन के लिए जाती हुई गेंद दूसरी दफा ये मिसफील्ड देखने को मिली है मिड विकेट के एरिया में 60 रन स्कोर बोर्ड पर चार विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है। फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था रन लेने की कोशिश कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच लेग बाइस का सिग्नल यहाँ पर आता हुआ एक और फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर डॉट बॉल आती हुई ओवर की समाप्ति रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल बचा है और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने होंगे 45 24 गेंदे 45 रन। आकाश आए है अगली ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे चिराग 24 गेंदे 45 रनों की जरूरत। पहली गेंद आड़े बल्ले से बड़ा हिट लगाने की कोशिश एक और कैच ड्रॉप यहां पर देखने को मिलता हुआ साथ ही साथ दो रन यहां पर चुरा लिए फिर से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम आहूजा स्ट्राइकर्स के लिए कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शक भारी मात्रा में मुकाबले का आनंद लेते हुए और शोर मचा रहे जैसे कैमरा उनके तरफ गया। एक और अच्छी गेंद थी यहां पर फिर से सिंगल लेने का प्रयास था और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ काफी दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज विपिन सामना करेंगे आकाश की अगली गेंद का
स्लोर वन गेंद थी इस बार, बहुत अच्छे अंदाज में पिक किया लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है। केवल एक रन मिलेगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 65 65 रन। 21 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 41 रन बनाने होंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज चिराग सामना करेंगे आकाश की अगली गेंद का। अच्छा ओवर अब तक ये चलता हुआ, दूर से इस बार खेलने का प्रयास हुआ। एक और बार अगर देखा जाए, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, लगातार स्लो वन गेंदबाजी देखने को मिली है। चतुराई से गेंदबाजी करते हुए आकाश जानते कि यहाँ पर बल्लेबाज की मानसिकता किस तरीके की होगी। डेथ ओवर से यहाँ पर लगातार रोल करते हुए उंगलियां गेंद के ऊपर, अब तक अच्छी ओवर चलती हुई। यहाँ पर कमाल का शॉट है चिराग के बल्ले से और गेंद मैदान के बाहर है 6 रनों के लिए। अच्छा अंदाज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा हिट लगाते हुए रन संख्या आगे बढ़ते हुए 71 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। उन्नीस गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत रहेगी। देखा जाए यहां से अभी भी सब बैटिंग ऑर्डर में खासी बल्लेबाजी नजर आती है। टीम आउजा स्ट्राइकर जिस प्रकार से खेली है इस मुकाबले में, बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। डॉट बॉल की मदद से ओवर की आप समाप्ति होती हुई, रन संख्या 71 रन 7 ओवर के बाद। अभी भी 18 गेंदों में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत रहेगी। पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, डॉट बॉल यहाँ पर आता हुआ, महत्वपूर्ण डॉट गेंद रहेगी यहाँ से। 17 गेंदे अभी भी जीतने के लिए, रन बनाने होंगे 35। एक और रोमांचक मुकाबला होता हुआ, इस बार बल्लेबाज पहले ही थोड़ा सा शफल हुए थे, फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पे। एक और डॉट गेंद देखने को मिलती हुई, शायद यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, जो कि है रामस्वरूप, रिटायर्ड होकर वापस जाते हुए एक बढ़िया पारी खेलकर विपिन, और अब नए बल्लेबाज आते हुए क्रीज के ऊपर रामस्वरूप। 16 गेंदों में अभी भी 35 रन चाहिए इस मुकाबले में।
16 गेंदे 35 रन अभी भी इस मुकाबले में चाहिए। आते ही बाहरी किनारा लगा फ्लाइंग स्लिप रीजन में, पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते। सिंगल यहां पर आता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 72, 72 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। रिवर्स हिट का प्रयास हुआ जरूर था, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरे रन की कोशिश यहां पर, करीबी मामला, और अब तीसरे अंपायर की ओर गए। देखना पड़ेगा क्या निर्णय यहां पे आएगा। एक बार फिर से तीसरे अंपायर की तरफ निगाह रहेगी। एक और क्रूशियल मोमेंट इस मुकाबले में आता हुआ, दो रन यहां पर मिलेंगे, नॉट आउट का इशारा आता हुआ लेग बाइस के चलते। और यहां पे रन आने जरूरी है, चाहे वो किसी भी अंदाज में क्यों ना आए टीम, ऊंचा स्ट्राइकर्स की दृष्टिकोण से। इस बार बड़े का प्रयास जरूर किया है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, नरेश दुर्गिया ने पकड़ा है कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बढ़िया ओवर चलता हुआ रितेश किया। वाजिद भाई इलेक्ट्रिशियन, इनसे गुजारिश रहेगी कि कृपया 5-10 मिनट में लाइट्स ऑन कर दे। वाजिद भाई शेखर आए नए बल्लेबाज, फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का वहां पे प्रयास हुआ, डॉट गेंद देखने को मिलते हुए, और इस डॉट गेंद के साथ एक कमाल का ओवर रितेश लालवानी का समाप्त होता हुआ। इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए, 12 गेंदों में अभी भी 32 रनों की दरकार रहेगी। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज। इस बीच बैटिंग पावर प्ले की यहां पर अनाउंसमेंट होती हुई, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5100 रुपए का इनाम रहेगा। हरीश भाई परवानी इनकी ओर से, साथ ही साथ पर्पल और ऑरेंज के आप होल्डर्स को 2100 रुपए का इनाम। प्रकाश नेत्रालय इनके तरफ से रहेगा, हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के तौर पे एक आकर्षक रिस्ट वॉच, रूबीज वॉचेस इनकी ओर से, साथ ही साथ 77 स्पोर्ट्स इनकी ओर से। खिलाड़ी को 77 या उससे ज्यादा रन बनाने के उपलक्ष्य में एक बैट दी जाएगी। वरुण आए हैं बॉलिंग पर, पहली गेंद जोरदार प्रहार यहां पर देखने को मिलता हुआ, और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अस्सी रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए इस बार फिर से गेंद को उड़ाया है, और गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दो सिक्सेस लगाते हुए दस गेंदों में 20 रनों की यहां पर अब जरूरत रहेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से इस मुकाबले में यहां पर एक और ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ, दो गेंदे दो छक्के लगाते हुए प्रहार किया है वरुण के ऊपर, आज थोड़े से महंगे साबित हुए वरुण।
सप्ताह में कर लो। थैंक यू डीजे के सारे, अब अपनी बारी। टॉट बॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, 9 गेंदे 20 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए यहां पर चाहिए। प्लेट का प्रयास किया है और गेंद मैदान के बाहर, फिर से राम स्वरूप के बल्ले से आता हुआ एक और लंबा छक्का, गेंद मैदान के बाहर। तो मैदान में कर लो तैयारी, जीतेंगे सारे अब अपनी बारी। उतरो मैदान में कर लो तैयारी, जीतेंगे सारे अब अपनी बारी। कोई खेलेगा कोई मारेगा, खेल देखेगी ये दुनिया सारी। हर एक बॉल पे सिक्सर लगेगा, नाचेंगे सारे जब ये गाना बजे अपना। 8 गेंदे 14 रन अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार भी, अच्छा शॉट लगाया है, गेंद कैप पे है 4 रनों के लिए। कौन है खिलाड़ी आज सबको बता दे, धंधो हो जे या पो क्रिकेट हो जे, सिंधी सब इन में बस क्या हो जे। हल्लो राजा तुझे ग्राउंड पे ले जाऊं, बल्ले से अपने तुझे जलवा दिखाऊं, बॉलिंग करूं तो सबके विकेट। 7 गेंदे 10 रन इस मुकाबले में, जहां पर 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी, कमाल की बल्लेबाजी, 6 गेंदे 23 रन, रामस्वरूप परमार इनके बल्ले से कमाल की पारी देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद इस बार भी, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है, रितेश लालवानी जब तक फील करते केवल सिंगल यहां पर मिलेगा, सिंगल के मदद से आखिरी ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 6 गेंदों का खेल बचा है और 6 गेंदों में मुकाबले को जीतने के लिए रन बनाने हैं 9। एक और रोमांचक मुकाबला ये चलता हुआ एसपीएल सीजन 3, क्या मुकाबले हो रहे हैं, पिछले 2 मुकाबले आखिरी ओवर तक गए थे और ये मुकाबला भी आखिरी ओवर में जाता हुआ। छह गेंदे 9 रन, बॉलिंग मार्क पर आकाश, पहली गेंद पर बलेट का प्रयास किया है और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर होती हुई, जिस प्रकार से मुकाबले का पासा पलटा दिया है। मैदान में कर लो तैयारी, जीतेंगे सारे अब अपनी बारी। थैंक यू डीजे। 5 गेंदे 3 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। 8 गेंदे 30 रनों की पारी, राम स्वरूप परमार के बल्ले से आते हुए। यहां पर सिंगल लेने का प्रयास जरूर किया था, जानते कि अब 4 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता है, यहां पर थोड़ा सा सेंसिबल टच देने का प्रयास था इस मरतबा। स्लोर वन गेंद थी इस बार, खुद कर निकालने का प्रयास हुआ है, पहला रन तेजी से पूरा करते हुए और इस बार केवल एक ही रन से यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 3 गेंदे 2 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे शेखर।
तीन गेंदे दो रन अभी भी इस मुकाबले में। एक और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 3 जिस तरीके से टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता हुआ एक से बढ़कर एक कमाल के मुकाबले देखने को मिले हैं। अब यहां से तीन गेंदे दो रन बॉलिंग मार्क पर आकाश हेमनानी। स्लोर वन गेंद थी बलेट का प्रयास यहां पर हुआ है पीछे खिलाड़ी तैनात विकेट आता हुआ एक और ट्विस्ट इस मुकाबले में। हल राजा तुझे ग्राउंड पे ले जाऊं बल्ले से अपने तुझे जलवा दिखाऊं बॉलिंग करूं तो सबके विकेट उड़ाऊं ऑलराउंडर आया सबके छक्के छुड़ाऊं हर एक बॉल पे सिक्सर लगेगा नाचेंगे सारे जब ये गाना बजे अपना SPL खेल ऐसा खेले जैसे दुनिया हिला दे SPL कौन है खिलाड़ी आज सबको बता दे SPL खेल ऐसा खेले जैसे दुनिया हिला दे। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग का भार संभालने के लिए सूरज दो गेंदे जीतने के लिए दो रन कमाल का एक और मुकाबला होता हुआ एक और लास्ट ओवर थ्रिलर यहां पर देखने को मिलता हुआ दर्शकों को जिस प्रकार से यहां पर मुकाबले हुए हैं। दो गेंदे दो रन अभी भी इस मुकाबले में बॉलिंग मार्क पर आकाश हेमनानी तैयार है स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज। स्लोर वन गेंद का यहां पे प्रयास था जोरदार अपील देखने को मिलती हुई क्रूशियल मूवमेंट यहां पर इस मुकाबले में 104 रन स्कोर बोर्ड पर है दो गेंदे दो रन यहां पर और जोरदार अपील यहां पर होती हुई एक्साइटेड नजर आती हुई पूरी टीम दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ यहां पे बातचीत करते हुए। आउट यहां पर करा देते हुए विकेट का पतन एक और बल्लेबाज वापस और अब एक बॉल दो रन इस मुकाबले में जीतने को चाहिए। एक बॉल जीतने के लिए दो रन इस मुकाबले में और पंकज धामे चाहे बैटिंग का भार संभालने के लिए एक गेंद और जीतने के लिए दो रन एक और अच्छा मुकाबला एक और रोमांचक मुकाबला एक और लास्ट ओवर थ्रिलर और क्या फिर से दर्शकों को सुपर ओवर देखने को मिल सकती है। इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी दो सुपर ओवर हम देख चुके हैं कमाल का ये टूर्नामेंट कमाल के यहाँ पर मैचेस होते हुए गेम बनाएगा नेम और जिस तरीके का टैगलाइन है वो टैगलाइन को अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से देखने को मिला है जिस प्रकार का खेल हुआ है सभी टीम्स द्वारा एक और ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला छा पर अगर देखा जाए एक समय ऐसा लगा था कि पूरी तरीके से इस मुकाबले में कंट्रोल हासिल किया है बढ़िया गेंदबाजी आकाश हेमनानी की। एक बॉल दो रन स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे पंकज बॉलिंग मार्क पर आकाश। हैट्रिक बॉल साथ ही साथ एक बॉल दो रन यहाँ पर गेंद ऊपर गई है पीछे खिलाड़ी है और ये मुकाबला जीत लिया है एक रन से टीम केकेआर ने।
और पहली हैट्रिक यहाँ पर देखने को मिलती हुई इस टूर्नामेंट की। आकाश हेमनानी पूरी तरीके से यहाँ पर गेम को चेंज किया है। बॉल पे सिक्सर लगेगा, नाचेंगे सारे जब ये गाना बजे अपना। एसपीएल एसपीएल खेल ऐसा खेले जैसे दुनिया हिला।